गाइस, मैं तरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल में। तो जो न्यू है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक न्यू रेसिपी सीखने, एक न्यू वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं लेकर आ गई हूं बहुत ही बेहतरीन किस्म का बहुत ही टेस्टी कुरकुरे मोमोज की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को हर कोई बना सकता है, तो फुल वीडियो में बने रहें, चलें बनाते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदे का डो तैयार करूंगी। तो यहाँ मैं ले ली हूँ 250 ग्राम मैदा। यहाँ टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसको मोयन पहले करेंगे, मोयन के बाद इसको एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। तो यहाँ रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं इस कप से आधा कप के करीब ऑयल ऐड की हूँ। अब इसे अच्छे से मोयन कर लेंगे। तो यहाँ एक अच्छा सा मोयन तैयार हो चुका है, देखिए मुट्ठी बन जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो होना चाहिए, जैसे हम आटे की रोटी गूंथते हैं उसी तरह से। तो यहाँ मैंने मैदे को बिल्कुल अच्छा सा मिक्स कर ली हूँ। थोड़े से हाथों पर पानी डालकर इसको अच्छे से गोला बना लेंगे। गोला बनाकर इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक साइड में रख देंगे। यहाँ कढ़ाई फ्री हीट हो चुका है, तो सबसे पहले अब कुरकुरे मोमोज का फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ रिफाइंड ऑयल में ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने इससे दो बार ऐड किया है। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज, एक हरी मिर्च कटिंग की है तो ये मैंने चॉप किया था, उसे ऐड किया है। अदरक लहसुन मैंने 2 टीस्पून कुटी हुई ऐड किया है। अब इसके अंदर जाएगा पत्ता गोभी, जो मैंने 250 ग्राम का पत्ता गोभी लिया था उसे बारीक से चॉप की हूँ। ये सारी सब्जियाँ हमें सॉटे करने हैं, कुक नहीं करना है। यहाँ ली थी मैं 2 पीस गाजर, जिसे चॉप की हूँ। यहाँ एक बड़े साइज का शिमला मिर्च। इन तीनों चीज़ों को मैं एक ही साथ चॉप कर दी थी अच्छे से वॉश करके। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या चॉप कर लें, जो भी आपको बेटर लगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1 छोटा टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कुरकुरे मोमोज का फिलिंग है, जिसे हम फिल करेंगे मोमोज के अंदर मैदे को बेलकर। इसे बनाना बहुत आसान है और हर कोई इसे बना सकता है। 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टीस्पून सेजवान चटनी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ हमारा फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। अब इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ मैं ले ली हूँ एक बाउल, इसमें 4 से 5 चम्मच मैदा ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 5 चम्मच मैदा ले ली हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके एक इसका घोल तैयार करेंगे। एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है, अच्छे से फेंटना है कि बिल्कुल इसमें लम्स ना हो। तो यहाँ घोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ मैं ले ली हूँ 5 पैकेट कुरकुरे। ये मोमोज बनाना हर किसी को मुश्किल लगता है, मैं आज सबकी मुश्किलें आसान कर दूँगी, हर कोई इसे बना लेगा। तो यहाँ मैंने 5 पैकेट कुरकुरे को ओपन कर ली हूँ। यहाँ लेंगे एक प्लास्टिक और इसके अंदर सारे कुरकुरे को डाल देंगे।
और इस तरह से इसको बिल्कुल क्रश कर लेंगे। आप इसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ क्रश करना है इसको। ये अच्छे से क्रश हो चुका है, जो खड़ा खड़ा है उसे आप हाथों से इस तरह से दबा दबा के तोड़ सकते हैं। तो जो मुझे थोड़ा खड़ा खड़ा दिख रहा है, मैं हाथों से दबा ले रही हूँ कि ये अच्छे से टूट जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा इससे। तो यहाँ जो खड़े खड़े थे मैंने हाथों से दबा दबा के तोड़ लिया है। यहाँ हमारा डो भी अच्छे से रेडी हो चुका है, देखें आप बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ छोटे छोटे से लोई बना लेंगे, देखें बिल्कुल छोटे छोटे से बनाना है और इसे अच्छे से एक छोटी छोटी पूरी के शेप में बेल लेना है, जैसे हम छोटे छोटे से पूरी बनाते हैं। यहाँ मैंने एक बेल ली हूँ, तो यहाँ मैं इसको फिल करूँगी। तो ये मैं कोई भी टीस्पून के हेल्प से ले लूँगी। 1 टीस्पून मैंने डाला है। इसमें कोई आपको सेफ वगैरह नहीं देना है, ये बहुत ही आसान बन जाता है। इस तरह से बना लेना है। तो आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं या थोड़ा सा लंबे में इसको शेप दे दें। यहाँ सारा मोमोज बनाकर मैंने रेडी कर ली हूँ। आप इसे किसी भी शेप में ऐसे बना सकते हैं, बट ये इस तरह आप बनाएं तो ये बेटर होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडे के शेप में होता है कुरकुरे मोमोज। तो अब इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए यहाँ मैं ले ली हूँ मैदे का घोल। तो सबसे पहले मैं मैदे में इसको डिप करूँगी, उसके बाद मैं इसको कुरकुरे में डिप करूँगी, अच्छा से इसका कोटिंग करूँगी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, आप 2-3 लेयर इस तरह से कर लें, देखिए इसी तरह से सारे बना लेने हैं। चम्मच के हेल्प से करें कि हाथों में ना लगे, इस तरह से। देखें हमें फ्राई करना है। यहाँ मैंने कोटिंग कर ली हूँ। इसको कोटिंग करने के बाद 5 मिनट तक इसको रेस्ट पे रखें, उसके बाद फ्राई करें। और जो नहीं करना है आप इसी तरह रखें, देखें इतना मैंने इसी तरह रख रखी हूँ, जब मुझे करना होगा तो मैं करूँगी, अभी इतना ही करूँगी। तो यहाँ फ्राई करने के लिए मैं रिफाइन ऑयल गर्म कर रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें एक एक मोमोज करके फ्राई के लिए डाल दूँगी। फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखें, डालते वक्त हाई ना रखें, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी सा फ्राई कर लें। बिल्कुल हल्के आंच पे फ्राई करना है। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको फ्राई होने में कम से कम 5 मिनट लगा है। इसे मैं निकाल लूँगी, इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ कुरकुरे मोमोज बिल्कुल रेडी है। तो जिसको जिसको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये कुरकुरे मोमोज बनाना बहुत ही इजी है, ज़रूर बनाइएगा। और जो न्यू है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी देखने के लिए, सीखने के लिए। तो फिर कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर।